यार बहुत ही शानदार, मतलब बड़ी जबरदस्त उसको गुड न्यूज निकल के आ रही है। मतलब मैं बस जल्दी से आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ, जहाँ पे इंडिया में गवर्नमेंट ने 59 ऐप्स को उसको बैन कर दिया, जहाँ पे मोस्टली ऐप्स चाइनीज हैं और ऐसे में लिस्ट में टिकटॉक का नाम भी शामिल है। तो आज ने ये कहा है कि ये दोस्तों जो ऐप्स थी ये बेसिकली देवर प्री जुडिशियल टू सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर। तो यहाँ पे दोस्तों ये एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट। So as we all know, our government has banned TikTok and other Chinese applications. And I'd just like to say that I totally support this ban and I will boycott it. I support it and my whole family supports it. And I think every citizen should support this ban without any doubts, because there is nothing more important than our country, our people, our soldiers, our military. In fact, आगे भी जो भी guidelines, rules और regulations आएंगे government की तरफ से, उनको भी इसी तरह से support किया जाएगा with all due respect. हेलो एवरीवन, मैं हूँ अश्नूर कौर एंड ये जो डिजिटल स्ट्राइक हुई है, अभी जो डिसीजन लिया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने सारे चाइनीज ऐप्स को बैन करने का, आई एम रियली हैप्पी विद दिस डिसीजन एंड आई एम टोटली इन सपोर्ट ऑफ इट, क्योंकि ये जो सारे ऐप्स एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गए थे हम सभी की लाइफ का, स्पेशली यूथ की लाइफ का. And you know, this was like a mode of entertainment for them. So जो एक major distraction था हम सभी की life में, वो अभी हट गया है. So we can concentrate on more productive things. हम Indian apps use कर सकते हैं, उनको एक जरिया बना सकते हैं हमारी entertainment के लिए, जैसे हम बाकी सारे Chinese apps use करते थे. So yes, I'm really happy and I also believe that this decision was very crucial. जो हमारा एक goal है आत्मनिर्भर भारत का, उसे अचीव करने के लिए, ताकि अभी हम इंडियन ऐप्स यूज कर सकें एंड प्रोडक्टिव चीजें कर सकें. ऑल्सो येस, एज एक्टर्स योर फैंस एक्सपेक्ट यू टू बी एक्टिव ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स. तो कभी कभार मैं भी टिकटॉक्स बनाती थी फन के लिए, लेकिन जब से इंडिया चाइना का हुआ है तब से आई हैव बीन अवॉइडिंग इट एंड नाउ दैट दिस डिसीजन हैज बीन टेकन, आई एम टोटली गोना ऑब्लाइज टू इट एंड टोटली गोना फॉलो इट. एंड आई वांट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू एज वेल टू प्लीज फॉलो इट. And really proud to be an Indian citizen. Your country comes first, India comes first. And really proud of this decision taken by the government. Jai. I stand by my country. और ये जो इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है, चाइना इंडिया को अटैक कर रहा है और इंडिया में चाइना के इतने एप्लीकेशन और प्रोडक्ट्स हैं, तो हम लोग एक जन नहीं यूज करेगा. लाइक बीच में ऐसा होता है लाइक पीपल वो बॉयकॉटिंग चाइनीज प्रोडक्ट्स और नहीं यूज करे, तो एक दो जन करने से फर्क पड़ता है. बट ये सब चीजों को जड़ से निकालना बहुत जरूरी था और ये हमारे गवर्नमेंट के हाथ में था, तो हमारे गवर्नमेंट ने इसको बैन करके बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है एंड आई टोटली स्टैंड बाय इट. और दूसरी बात, चाइना ऐसे नहीं कर सकता है ना कि हमारे ही कंट्री को अटैक करा और हमारे कंट्री से ही पैसे कमाना चाहता है, बिकॉज जैसे आप सबको पता है आफ्टर चाइना इंडिया की पॉपुलेशन उसके बाद आती है, तो इंडिया से बहुत ज्यादा प्रॉफिट है चाइना को और जो चाइना ने किया दे हैव टू पे फॉर दिस. सो वी आर वेरी हैप्पी एंड वी ऑल शुड स्टैंड बाय आवर कंट्री.